दोस्तों आप सभी में से बहुत सारे व्यूअर्स जीपीएस के बारे में जरूर से सोच रहे होंगे कि जीपीएस क्या है और ये काम किस तरह से करता है। दोस्तों आज अभी वीडियो देखते रहे, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे चैनल पर चल रहा है गिव अवे एलिवन स्मार्टफोन का, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाके पार्टिसिपेट कर लीजिए, बहुत ही आसानी से आप पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शानोस कुमार, आप देख रहे हो बोलना से, चलिए शुरू करते हैं। जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ये बेसिकली चालू किया गया था यूएस आर्मी के लिए। यूएस आर्मी ने बस खाली अपने नेविगेशन के लिए अपने मतलब फौजी को इकट्ठा, मतलब कि कोई बिखर ना जाए, हमेशा सब लोग सिग्नल में रहे, उसने इसको शुरू किया था 1970 से लेकर 1980 के बीच में। लेकिन इसी बीच में एक एयरक्राफ्ट के एयरक्राफ्ट एरिया के अंदर चले गया था, तो वहाँ पर रशिया ने उस एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। इसलिए यूएस गवर्नमेंट ने बोला कि ये जीपीएस आम लोगों के लिए हो जाना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि सेटेलाइट कहाँ पर जा रहा है, और मतलब कि गलती अगली बार से नहीं होनी चाहिए। तो 12 साल के बाद, तकरीबन से 12 से 15 साल की मेहनत के बाद 1995 में जीपीएस सारे आम पब्लिक के लिए हो गया, सब लोग इसको यूज़ करते थे, लेकिन उस टाइम उतना डेवलप नहीं था। तो उसके बाद सन 2000 में फाइनली जीपीएस एकदम से आम हो गया, सब लोग यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये तो भी उतना डेवलप नहीं हुआ था। इसका इसके सेटेलाइट बन चुके थे, ज़्यादा लॉन्चिंग भी हुई थी। उसके बाद 2015 से लेकर 2016-17 तक के अंदर 50 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे जा सकते हैं। दोस्तों एक काम किस तरह से करता है, बात करते हैं। जो सैटेलाइट है उसके अंदर होता है एटॉमिक क्लॉक। दोस्तों ये सैटेलाइट के अंदर क्लॉक होता है, जो घड़ी होती है, वो अरबों खरबों साल तक भी अगर स्पेस में रहे तो उसमें टाइम ज़रा भी कम ज़्यादा नहीं होगा, वो टाइम बिल्कुल से वही रहेगा। तो बोलते हैं एग्जैक्ट लोकेशन से टाइम का क्या फंडा है। अगर अपने फ़ोन कोई भी अपना डिवाइस जो जीपीएस डिवाइस है, अगर वो हमारे पास है, अगर उसको अगर 3 सैटेलाइट कनेक्ट हो जाए, यानी बेसिकली सैटेलाइट वहाँ से ना स्पेस से टाइम भेजेगा अपने मोबाइल फ़ोन को, और तकरीबन 3 सैटेलाइट को टाइमिंग को माइनस करके, कंज्यूम करके, कंप्रेस करके बता देता अपनी एग्जैक्ट लोकेशन। दोस्तों उसके बाद अगर आपको 4 सैटेलाइट आपके डिवाइस को, किसी भी जीपीएस डिवाइस को या फिर मोबाइल फ़ोन को अगर मिल जाता है, तो मोबाइल फ़ोन आपको बता देगा आपके समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, और बिल्कुल से आपको रास्ता एकदम से क्लियर से बता देगा अगर आपको 4 सैटेलाइट मिल जाते हैं। एटॉमिक क्लॉक होते हैं, बहुत ही साल तक ये चलते हैं, और ये सैटेलाइट जल्दी ख़राब नहीं होते, इसलिए बहुत ही आसानी से अभी तक इसलिए सिर्फ 50 से 60 सिर्फ भेजे गए, जबकि स्पेस इतना बड़ा है और ज़्यादा भेजने चाहिए थे। लेकिन ये सैटेलाइट बहुत ही महंगे होते हैं, और ये बहुत ही कम ईयर में, मतलब एक ईयर में तकरीबन से 5 से 6, 7, 8, 10 ऐसे तक भेजे जाते हैं। मतलब उसके बाद स्पेस में जो कचरा जमा हो जाता है उसको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ से वहाँ ले जाने में, इसलिए बहुत ही कम मतलब सैटेलाइट भेजे जाते हैं। एक ही साल सैटेलाइट को मतलब ज़्यादा खर्चे से बना के मतलब एक ही बार भेजो, और उसको तकरीबन से कई सालों तक उससे काम चलना चाहिए। दूसरा आप बात करते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करते हैं गाड़ियों में, तब जीपीएस एकदम फटाफट कैसे मतलब हमारे से लोकेशन बता देता है। मतलब जब हम नेविगेशन करते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह कहीं हम ड्राइविंग करते हैं या फिर जाते हैं, तो दोस्तों उस टाइम बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि मोबाइल फोन बहुत ही रिफ्रेश करता है, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश करता है, फटाफट एक सैटेलाइट से छोड़ा दूसरे सैटेलाइट को पकड़ा है, तो मतलब भी बहुत सारे सैटेलाइट से वो कनेक्ट होते रहता है, बार बार छूटता है, बार बार पकड़ता है, क्योंकि वहाँ पर डेटा कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे कार में बहुत सारे ड्राइवर्स लगा के नेविगेशन करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ड्राइवर करते हैं बहुत ही आसानी से, और चार्जर का भी यूज़ करते हैं। बेसिकली वो चार्जर लगाए रहते हैं, उसके साथ साथ वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मैप के अंदर मैप को यूज़ करते हैं, यानी जीपीएस यूज़ करते हैं। तो यही था बेसिकली कैसे जीपीएस काम करता है, जीपीएस को नेटवर्क कहाँ से मिलती है, जीपीएस हमारे एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बताता है, बेसिकली मैंने पूरा आपको बता दिया। तो सिर्फ जीपीएस नहीं है, जीपीएस के अलावा बहुत सारे रशिया में भी ऐसे अलग अलग तरीके के फंक्शन हैं जहाँ से आप मतलब अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो, लेकिन जीपीएस बिल्कुल सही आम है, क्योंकि गूगल इसको सपोर्ट करता है। बेसिकली ये गूगल का ही एक मतलब मैं बोलूँ प्रोडक्ट है जीपीएस, जिसे हम यूज़ करते हैं बहुत ही आसानी से अपने मतलब एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए। तो रशिया में बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन वो किसी बहुत ही कम डिवाइस में रहते हैं, और उसके सैटेलाइट भी बहुत ही कम है, इसलिए उतना ज़्यादा मतलब फेमस नहीं है, उतना अच्छे से यूज़ भी नहीं होता है। तो यही था बेसिकली पूरे ही जीपीएस की कहानी, जीपीएस कब मतलब बना, कब क्यों से यूज़ में लाया गया, कैसे एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बता देता है। बस अभी की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत पसंद। अगर अभी तक आपने गिव अवे पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए, क्योंकि आप भी जाएंगे फ्री में स्मार्टफोन, इसकी रैम है 3 GB, इंटरनल है 32 GB, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा स्मार्टफोन। अभी के लिए बस इतना ही, जय हिंद, आपका दिन शुभ।